कब्जा कंट्रोल कैसे, वहां के आम नागरिक अगर हथियार उठा रहे तो एक लंबी इंसर्जेंसी वहां पर भी चल सकती है? बिल्कुल चल। देखिए अंजना, पहली बात का जवाब दूं, पहले तो नाटो जो है वो बिल्कुल मिलिट्री अलायंस है, तो ये मत समझो कि वो नाटो में क्यों जा रहा था, कि वो कोई वो व्यापार के लिए थोड़ी जा रहा था। ईयू एक व्यापारिक एक इकोनॉमिक वो संबंध है, एक यूनियन है, और इमेजिन करो इंग्लैंड उसका भाग ही नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कुछ दम वाली बात नहीं है, वरना इंग्लैंड उसका साथ छोड़कर नहीं जाता। तो नाटो में जाने का मतलब है आप कोई ना कोई मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर रहे थे। तीसरी बात, क्रीमिया 1917 से पहले भी रशिया का भाग था, पीटर दी ग्रेट के टाइम भी रशिया का भाग था। क्रीमिया को एकदम से 1991 में यूक्रेन के साथ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि पूरा ब्लैक सी फ्लीट उसका था रशिया का, कि भाई यूक्रेन हमारा ही देश है, अपने ही लोग हैं, तो इस भावना पर दोनों मुल्क थे। तो इस भावना को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की जिम्मेवार है, ज़ेलेंस्की ही नहीं अपने लोगों पर लड़ाई लाए हैं। और अब ज़ेलेंस्की को क्या करना चाहिए, अंजना जी मैं बता रहा हूं, ज़ेलेंस्की को समझदारी बरतनी चाहिए, अपने देश का विनाश रोकना चाहिए, पहले ही समझदारी करनी थी जो पुतिन ने 20 साल की। प्रेसिडेंट पुतिन को तो एक बिखरा हुआ टूटा हुआ रशिया मिला था 2000 में, जिसमें मैंने देखा है भुखमरी थी, जिसमें गरीबी थी, सेनाओं को 5 साल तक तनख्वाह नहीं मिली थी सेना, रशियन सेना को, और उन्होंने कहा था दुनिया में मुझे एक सेना दिखा दो जहां एक सैनिक एक दिन बगैर तनख्वाह के रहता हो, ऐसा रशिया लिया था। उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, धीरे धीरे सबसे संबंध बढ़ाए, अपनी कंट्री को मजबूत किया। जब इस हालात में आए तब उन्होंने कहा अब मैं पुराना रशिया, पुराना सोवियत यूनियन की बाउंड्री को सेव करूंगा। ऐसा ही ज़ेलेंस्की को करना चाहिए था, यह वक्त नहीं था रशिया से लड़ने के लिए। ये रशिया के साथ आपको किसी ने चढ़ा दिया, आपको वेस्टर्न नाटो ने चढ़ा दिया, आप लड़ाई लड़ बैठे, आप किसी के ब्याह पर लड़ाई लड़ रहे हो। आपकी समझदारी है, अपने लोगों को बचाओ, अपने देश को बचाओ, एक समझौता करो जिसके तहत आप नाटो को बिल्कुल कर दो, न्यू नाजी जो आपके लिए भी खतरा है, जो यूक्रेनियन साल्विक रेस के लिए खतरा है, उनको अपने देश से निकालो और रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाओ। मैं समझता हूं ज़ेलेंस्की यंग है, उनके पास भविष्य है, आज नहीं तो कल वो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन से जल्दी से लड़ाई से कहीं नहीं पहुंचेंगे। जो ज़ेलेंस्की को लेकर यहां पर कह रहे हैं, आखिरकार अपने मुल्क को देने के लिए इस वक्त उनके पास क्या है, कैसे बचाएंगे वो? मिस्टर सिंह, केवल 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 संधि, जो जो शर्त रखी है पुतिन ने उसको मानना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी, आप इसके पहले कुछ मिनट दो, एक सेकंड हमको दीजिए। शर्त एक थोड़ी है सर, शर्त एक थोड़ी है, डीमिलिट्राइजेशन, नेटो से एकदम दूर होना, क्रीमिया, लोहे, तो ये बिना इसके शर्त के कुछ भी कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, युद्ध विराम तभी होगा। दूसरी, अगर आप कहती हैं ये मिलिट्री ऑपरेशन क्यों हो रहा है, कम से कम 8 साल से जो ऑफिशियल है 14,000 से 15,000 लोग नागरिक जो सिविलियन मारे गए हैं दनेस और लुगांस में, बताइए, और जिसमें से आज के डेट में 7 लाख से ऊपर वहां पर रशियन नेशनल हैं, रशियन पासपोर्ट होल्डर हैं, और कम से कम 2 मिलियन से के करीब रशियन से वहां पर, तो क्या है उनको, उनका एक देश का ये कर्तव्य नहीं है कि तो उसको अपने नागरिकों को बचाए? अगर अमेरिका ग्रेनाडा को बर्बाद अच्छा, कर सकता है एक आदमी दो, अच्छा रूस बम बरसाए, तो क्या रूम बरसाए, और ओनस उन पर है कि वो समर्पण करके और रूस की हर शर्त को मान ले और तब अपने जनता को बचाए? कैसी बात कर रहे हैं आप पत्रकार जी? अगर वो बम बरसाते इस टाइप से जो आप दिखा रही हैं, तो सिविलियंस को बचाने के लिए ये वार जो है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही बच के डिफेंसिव उसमें जा रहे हैं कि सिविलियन को हर्ट ना हो, लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको नहीं कहा जा सकता कि वो हर्ट नहीं हो रहे सिविलियंस, तो ये उसको बचाते हुए। कल आपने देखा होगा कि मिलिटोपल में उन्होंने 30 फायर किया था लगातार, लेकिन एक भी नागरिक को उन्होंने छोड़ा नहीं वहां से यूक्रेन की आर्मी ने, आज भी काफी देर तक 30 फायर था, तो क्या तो उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं सिविलियंस हर्ट ना हो, लेकिन जहां गोलाबारी चल रही है वहां कुछ इस टाइप का केस हो सकती है, तो इसमें दो राय नहीं है। और रशिया जो है, अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ जगहों पर गोलीबारी ऐसी जगहों पर होगी, इतना प्रिसाइसली नहीं मारा जा सकता है, कुछ रिहायशी इलाकों पर भी होगा, तो फिर बताइए कि किस तरह की परिस्थिति में वो दुनिया को झोंक रहे हैं जब वो ज़ापोरिज़्या में ट्रेनिंग सेंटर पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करते हैं? अगर रिएक्टर्स पर इस तरह का हमला हो गया तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? पूरे विश्व पर इतनी बड़ी तबाही वो अनलीश कर देंगे क्योंकि नेटो का सदस्य बन जाता यूक्रेन, क्योंकि नेटो का सदस्य बन जाता यूक्रेन? ये न्यूज आपके पास गलत है,
ये जो हुआ था उस दिन रात में वहाँ ऑलरेडी रशियन आर्मी थी, अटैक हुआ था यूक्रेनियन आर्मी का जिसको इन्होंने बचाया। ज़ापोरिज़्या ट्रेनिंग सेंटर पर क्या रूस की सेना ने हमला नहीं किया? आइए ये ने भी इसकी पुष्टि की कि रिएक्टर से दूर किया लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ है। ये सारे सारे रॉकेट जो गए हैं सारे यूक्रेन गए हैं, आपने आपने फिर से देखिए उसको और देखिए यूक्रेन ने अपने ही ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आप इसको फिर से चेक कीजिए, कल आप कहेंगे बिल्कुल सही मैं बोला, क्योंकि उस समय तक ऑलरेडी ज़ापोरिज़्या जो न्यूक्लियर सेंटर है वो रशिया के हाथ में था, क्यों उस पर वो करेंगे वो डिफेंड करने के लिए? और रात में हुआ ये इंसिडेंट, आप उसको फिर से देखें और उसको रिवाइज करें, ये बिल्कुल फेक न्यूज। रिवाइज क्या फेक न्यूज है क्या नहीं है, इन्फॉर्मेशन वॉर प्रोपोगंडा वॉर इस वक्त चल रहा है दोनों तरफ से और हमला हुआ है। आईएईए ने जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है उसने जो बयान जारी किया, हमने उसी हवाले से तमाम बातें रखी हैं और रख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक पूरा मुल्क पलायन करने के लिए 1,500,000 लोग मजबूर हो गए हैं, मिस्टर सिंह ये सच्चाई है, ये ना रूस छिपा सकता है ये ना यूक्रेन छिपा सकता है, जिसमें महिलाएं बच्चे हैं, जिसमें परिवार अलग हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो रही है, हथियार उठा रहा है आम नागरिक, इंसर्जेंसी में यूक्रेन आने वाले सालों में अगर धंसा रहता है तो इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होगी बताइए? आप देखें लुगांस और डोनेट्स्क में आज एक महीने से गोलीबारी हो रही है और वहां के कितने लोग रशिया में करीब 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख से ऊपर आ चुके हैं, तो उनके उनके वो अपने अपने बच्चों से दूर नहीं हो रहे हैं, वो अपने घर वालों से दूर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वही हाल इधर भी है। तो ऑफ कोर्स जहां 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 पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है लोग पलायन करेंगे, अपनी जान बचाएंगे।